हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कैसे द्विघात समीकरण को अपन गुणनखंड विधि से हल करते हैं, और अगर द्विघात समीकरण के मूलों की प्रगति जानना हो तो कैसे विविक्तर डिस्क्रिमिनेट डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर एसी की मदद से हम पता लगा सकते हैं कि दिए गए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे। ठीक है, अगर वास्तविक होंगे तो दोनों समान होंगे या असमान होंगे। ठीक है, तो यही आज अपन प्रश्नावली 4.3 में पढ़ने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के रूट ज्ञात कीजिए, रूटों के प्रगति ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि वास्तविक रूट अस्तित्व में है तो उनको ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले का पहला है 2x² - 3x + 5 = 0। तो ये स्टैंडर्ड रूप है ax² + bx + c = 0 किसी भी द्विघात समीकरण का। ठीक है, तो यहाँ a बराबर क्या दे रखा है, 2, b बराबर क्या है, -k 3, जिनके साथ लेते हैं, और c, क्योंकि यहाँ देखो सब पॉजिटिव है ना, और c क्या है 5, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, b² - 4ac। ठीक है, तो b का स्क्वायर कितना हो गया, -3 का स्क्वायर -4, a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है 5, 3 * 3 = 9, -4 * 2 = 8, 4 * 2 = 8, 8 * 2 = 40, तो ये हो गया -31। तो d छोटा है 0 से, तो मैंने आपको बताया था जब d छोटा हो 0 से तो मूल वास्तविक नहीं है। ऐसा क्यों होता है जी, मूल वास्तविक नहीं है तो निकालने की भी जरूरत नहीं है। ये इसलिए होता है कि x सीधा 40 से क्या होता है, -b + -√d, यानी कि b² - 4ac / 2a। तो d अगर निगेटिव है, d का मान निगेटिव में है, तो अपन जानते हैं कि अंडर रूट में निगेटिव का मान कभी वास्तविक वैल्यू नहीं देगा। ठीक है, वो अपन कक्षा 12 में पढ़ेंगे कि अंडर रूट में -1 है उसका मान आयोटा होता है, ये है काल्पनिक संख्या। ठीक है, ये अपन कक्षा 12 में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए अपन जानते हैं कि अंडर रूट में अगर निगेटिव मान है, डी का मान छोटा है 0 से, तो ये वास्तविक संख्या नहीं होगी, तो इसका मूल वास्तविक नहीं है। ठीक है, तो पहला हो चुका है पहले का। अब करते हैं दूसरा, पहले का दूसरा दूसरा है 3x² - 4√3x + 4 = 0। यहाँ a का मान क्या है जी, 3, और b का मान -k 4√3, और c का मान 4, तो d क्या हो जाएगा, b² - 4ac / b का मान -4√3 का स्क्वायर -4, a का मान 3 और c का मान 4। तो माइनस का स्क्वायर किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 * 4 = 16, और अंडर रूट 3 का कितना हो गया 3, तो इसका वैल्यू हो गया 48, और ये हो गया 4 * 3 = 12, और 12 * 4 = 48, 48 में से 48 गया तो 0। यहाँ d बराबर 0 है, तो मूल वास्तविक वह समान होंगे। पता है ना आपको, कल बताया था, तीन कंडीशन बताया था मैं कल आपको। पहली कंडीशन, d का मान 0 से ज्यादा हो, d का मान 0 के बराबर हो, और d का मान 0 से छोटा हो। इस कंडीशन में मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे। इस कंडीशन में मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे, क्योंकि डी का मान 0 होगा तो -b/2a इसके मूल होंगे, और डी का मान 0 से छोटा हो तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो मूल भी निकालने हैं। ठीक है, मूल निकालो x - b + -√d/2a, तो ये हो जाएगा -k b/2a, ये प्लस माइनस आपका क्या हो गया 0, अंडर रूट डी का मान 0 तो 0 हो गया, तो दोनों मूल इसके क्या हो जाएंगे, x = -k b, b कितना है
माइनस और माइनस के चार रूट तीन भी है, प्लस माइनस जीरो अपॉन टू इंटू ए कितना है तीन, ए कितना है तीन, तो ये हो गया फोर रूट थ्री बटे दो इंटू तीन और प्लस माइनस जीरो है, तो प्लस माइनस जीरो करो तो वही रहेगा, तो एक्स का मान आ जाएगा दो एकम दो, दो दुनी चार, ठीक है, तो दो रूट तीन बटे तीन, प्लस जीरो करने से और माइनस जीरो करने से भी यही है, तो ये आपके आंसर हो गए, दोनों मूल समान है और वास्तविक है, तो ये दूसरा हो गया, ठीक है। ये श्रीधराचार्य सूत्र से किया है अपन ने, किससे किया है, श्रीधराचार्य सूत्र से, और तीसरा है 2x² - 6x + 3, 2x² - 6x + 3 = 0, तो यहां a बराबर 2, b बराबर माइनस के 6 और c बराबर 3, तो d बराबर क्या हो जाएगा b² - 4ac, b का स्क्वायर कितना हो जाएगा -6 का स्क्वायर - 4a का मान है 2 और c का मान है 3, तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, माइनस माइनस प्लस माइनस 4 दुनिया 8 या 24, 36 में से 24 लिया तो 12 बच गया, यहां d बड़ा है 0 से, तो मूल वास्तविक वे असमान दोनों अलग अलग होंगे होंगे, और मूल कैसे निकालेंगे x - b + -√d/2a, तो माइनस बी कितना है -6 + -√d का मान कितना निकाल लिए हैं 12/2a, a का मान कितना है 2, अगर मान लो d का मान नहीं निकाल रहे हो, पहले मूलों की प्रगति नहीं निकाल रहे हो, तो यहाँ क्या लिखोगे b² - 4ac, ठीक है, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 6 + -√12 का मान कितना हो जाएगा 4 × 3 रख ले 12 को और 2 दूनी 4, ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा जी, यहां से हो जाएगा 6 + - 4 का अंडर रूट कितना हो गया 2, अंतर बच गया अंडर रूट 3 बटे 4, एक बार प्लस चिन्ह लेने पर एक बार माइनस चिन्ह लेने पर, तो x का मान प्लस लेने पर क्या हो गया 6 + 2√3/4 और माइनस लेने पर x का मान क्या हो गया 6 - 2√3/4, ठीक है, 2 से ओवर कट जा रहा है x बराबर, इसमें इसमें 2 कॉमन है 2 से काट दो, 3 + √3/2, ये भी क्या हो जाएगा 3 - √3/2, ये x का मान, ये 2 आ गए, ठीक है, x के दोनों मान आ गए हैं, तो ये हो गया आपका पहले का तीसरा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि नीचे दिए गए समीकरणों के द्विघात समीकरणों के समान मूल हैं, ठीक है, तो दे रखा है समान मूल है, इसका मतलब क्या है, द्विघात समीकरण के समान मूल है, इसका मतलब क्या है, d का मान क्या है 0, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई, तो पहला आपको दे रखा है 2x² + kx + 3 = 0, तो यहां a का मान 2, b का मान k और c का मान 3 दिया हुआ है कि समीकरण के
समान मूल है तब क्या होगा, d बराबर 0 होगा। ठीक है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac अब बराबर 0, तो b का मान कितना हो गया k स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है 3 बराबर 0, तो k स्क्वायर बराबर क्या आ गया 4 दुनी 8 या 24, माइनस की 24 आ गया तो प्लस की 24, तो k बराबर क्या हो गया प्लस माइनस रूट, वर्गमूल लेने पर प्लस माइनस हो जाएगा ना, 24 का अंडर रूट और प्लस माइनस अंडर रूट 24 का कितना होता है, कितना होता है ये 24 को लिख सकते हैं 4 × 6, तो ये हो गया प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। ठीक है, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6, ये k का मान आ गया। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चाहे प्लस के 2 अंडर रूट 6 रहे चाहे माइनस के 2 अंडर रूट 6 रहे, b स्क्वायर माइनस 4ac अब बराबर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तभी मूल समान होते हैं। तो दूसरा आपको दे रखा है, इसके भी समीकरण के मूल समान है, kx x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0, तो ये हो गया के एक्स स्क्वायर गुणा किया तो, और ये हो गया 2kx और प्लस के 6 बराबर 0, तो यहाँ a का मान क्या हो गया k, b का मान क्या हो गया माइनस के 2k और c का मान कितना है 6 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, मूल समान है तो क्या होगा b बराबर 0 होगा, मतलब b बराबर 0 होगा मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा 0, तो b स्क्वायर क्या है, b क्या है माइनस के 2k स्क्वायर माइनस 4, a क्या है k, ये है ना, c क्या है 6 बराबर 0 होना चाहिए, तो ये क्या हो गया आपका माइनस 2k स्क्वायर क्या हो गया 4k स्क्वायर माइनस 6 चौका 24k बराबर 0, दोनों में क्या कॉमन है 4k कॉमन है, यहां से बच गया k माइनस यहां से 6 बराबर 0, अब इन दोनों का गुणा 0 है, इसका मतलब या तो k का मान 0 है या k माइनस 6 का मान 0 है, तो ये आ गया k बराबर 6, तो k के दो मान आ गए एक 0 और एक 6, द्विघात समीकरण है ना ये, तो दो ही मान आएंगे, एक आ गया 0 और एक आ गया 6। ठीक है, तो k का मान 0 हो जाएगा इस समीकरण के लिए, यदि k का मान 0 हो जाएगा तो k का मान 0 हो जाएगा तो ये समीकरण द्विघात समीकरण नहीं रहेगा, तो k बराबर 0 संभव नहीं है द्विघात समीकरण के लिए। ठीक है, तो ये 0 देंगे तो पूरा 0 ही हो जाएगा, फिर द्विघात समीकरण ही नहीं बचेगा, तो k बराबर क्या आंसर होगा 6 होगा, समझ में आई बात, ये भी ध्यान देना है, फ्लो में नहीं चलना है, तो ये दूसरा भी हो गया, देखना भी है कि अपन उत्तर निकाल रहे हैं वो सूट भी कर रहे हैं कि नहीं क्वेश्चन को, तभी तो अपन देखते थे कि अपन x मान लेते थे कोई दूरी और उत्तर आ जाते थे माइनस में, तो लिखते थे नहीं भाई ये संभव बात नहीं है क्योंकि दूरी माइनस में नहीं होगी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है, क्या यह संभव है कि एक आयताकार आम का बगीचा जिसकी लंबाई चौड़ाई की दुगनी है और एरिया 800 मीटर है, यदि ऐसा है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। ठीक है, तो आयताकार बगीचा है जिसकी लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, लंबाई चौड़ाई की दुगनी है तथा क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है,
तो ऐसा संभव है कि ऐसा आयताकार बगीचा संभव है? तो माना आयताकार आम के बगीचे की चौड़ाई x मीटर है, तब लंबाई लंबाई क्या हो जाएगी? चौड़ाई की दुगनी है तो 2x मीटर। ठीक है, तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? लंबाई इंटू चौड़ाई दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर, ये होता है आयताकार का क्षेत्रफल। तो x इंटू 2x बराबर है 800 मीटर स्क्वायर, तो ये क्या हो गया? 2x स्क्वायर माइनस 800 बराबर 0। 2 से 2 कट गया तो ये आ गया एक्स स्क्वायर, दो दो तो कट गया ना, एक्स स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0। यहाँ से 2 को मान लीजिए, 0 भाग दे तो 0, ये आपका द्विघात समीकरण आ गया। तो ये द्विघात समीकरण के अगर मूल मूल क्या है? लंबाई और चौड़ाई, एक्स एक्स क्या है? लंबाई है। तो अगर इसकी लंबाई निकल जाती है, मूल निकल जाते हैं, मूल वास्तविक होंगे तो फिर क्या है? ऐसा आयताकार बगीचा होना संभव है। मूल वास्तविक होने चाहिए इसके, तभी अपन बता पाएंगे कि ये संभव है कि नहीं है। क्वेश्चन ने पूछा है ना कि संभव है कि नहीं है, तो इसका डी डी निकालेंगे। तो यहाँ ए बराबर क्या हो जाएगा? 1, बी बराबर 0 है क्योंकि एक्स का मान नहीं है ना, और सी बराबर माइनस के 400 है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0 का स्क्वायर, 0 माइनस 4, ए का मान है 1 और सी का मान है माइनस के 400, तो ये आ गया 1600। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। डी का मान 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक है, अतः ऐसा बगीचा संभव है। ठीक है, ऐसा बगीचा संभव है, तो इसमें तो अपन सीधा ही निकाल सकते हैं। ठीक है, बोल नहीं रहा है ना कि कौन सी विधि से करना है। ठीक है, नहीं तो ऐसे निकाल दो, x x का मान इसमें क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 20 आ जाएगा, तो माइनस 20 तो लेंगे नहीं क्योंकि चौड़ाई मानी है ना बगीचे की, तो प्लस 20 आ जाएगा x का मान। तो x का मान प्लस 20 आ जाएगा तो लंबाई 40 आ जाएगी। ठीक है, तो यहां तक तो ये हो ही गया। आगे और आपको बता देता हूं, यहां तक तो ये हो ही गया। फिर इसके बाद में ये तो संभव है कि नहीं है, ये तो अपन ने बता दिया। उसके बाद में क्या हो जाएगा? ये आप इसको सोल्व कर लो। तो सोल्व कैसे करोगे? अभी डी का मान कितना आया था? 1600। तो एक्स कैसे निकालोगे? माइनस बी, तो 0 प्लस माइनस अंडर रूट 1600, यही आया था ना, बटे 2a। 2 इंटू ए कितना है? 1। तो अंडर रूट 1600 का मान क्या होता है? प्लस माइनस 400, 400 है ना अंडर रूट 1600 का मान, है ना, बटे 2। 400 नहीं आएगा, 40 आएगा जी, तो 0 भी है ना, 40 प्लस माइनस x का मान आ गया प्लस माइनस 40/2, तो x के बराबर आ गया माइनस के 20 और प्लस के 20। एक बार चेन प्लस ले लिया, एक बार माइनस ले लिया, ये तो संभव नहीं है। तो ये आ गया लंबाई, आपके पास कितनी आ जाएगी फिर? लंबाई है 2x, तो 40 आ गई आपकी लंबाई और 20 आ गई आपकी चौड़ाई। आसान था क्वेश्चन, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। सबको समझ में आया अच्छे से? तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अगर पॉसिबिलिटी पूछ रहा है तो आपको वो मूल चेक करने के लिए बोल रहा है कि आपने समीकरण तो बना लिया, एक्स मान तो लिया, अगर उसके मूल ही वास्तविक नहीं होंगे, जो माना है वही वास्तविक नहीं होगा, तो आपकी वो स्थिति संभव नहीं हो पाएगी। फिर अगला पूछ रहे हैं, क्या अगली ये ऐसी स्थिति संभव है? तो
तो वही बात आ गई, इसमें भी मूल चक्र आएगा। यदि है तो इनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब स्थिति क्या है, दो मित्रों की उम्रों का योग 20 वर्ष है। स्थिति ये है, दो मित्रों की आयु का योग क्या है, 20 वर्ष, ठीक है, और 4 वर्ष पहले उनकी एजो का उनकी उम्र का गुणा 48 था। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणा 48 था, ठीक है। तो ऐसी स्थिति संभव है कि नहीं, यह अपन से पूछ रहा है। माना एक मित्र की वर्तमान आयु X वर्ष है, तो दूसरे की आयु क्या होगी जी? दोनों की आयु का योग 20 वर्ष है, तो 20 माइनस X, ठीक है। अब प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, कि 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणा, तो एक्स है उसकी 4 वर्ष पहले कितनी होगी, एक्स माइनस 4 गुणा, जिसकी 20 माइनस X है उसकी 4 वर्ष पहले क्या होगी, माइनस 4 कर दो का गुणा 48 था, ठीक है। प्रश्न अनुसार लिख दिया तो ये हो गया एक्स माइनस 4, यह आपका हो गया 20 में 4 कर दो 16 माइनस X बराबर 48। हल कर लो, एक्स को 16 से गुणा कर दो 16X, X को X से गुणा किया तो माइनस के X स्क्वायर, माइनस के 64, 16 64, तो माइनस माइनस प्लस के 4X बराबर 48। सबको उधर ले जाओ क्योंकि X स्क्वायर को पॉजिटिव बनाते हैं, नहीं ऐसे ही रख लेते हैं, माइनस X स्क्वायर 16X और 4X प्लस के 20X, और माइनस के 64 है और माइनस के 48 और आगे, तो 60 और 40 कितने हो गए, 100 तो ये हो गए, 112 हो गए जी, तो माइनस के 112 बराबर 0। तो यहाँ चेक कर लेते हैं इसके वास्तविक मूल है कि नहीं है, अगर वास्तविक मूल है तो ऐसी स्थिति संभव है, अगर नहीं है तो ऐसी स्थिति संभव नहीं है। ए बराबर माइनस के 1, बी बराबर 20 और सी बराबर माइनस का 112 और डी बराबर 20² - 4AC, तो 20² क्या हो गया आपका, 20² माइनस 4 A कितना है आपका, -1 और C कितना है, -112, यही है। तो 20² हो गया 400, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, और 112 को 4 से गुणा किया तो 12 चौक 48, 448, तो ये आ गया भाई माइनस का 48। तो D का मान आ गया 0 से छोटा, तो इसके वास्तविक मूल नहीं है, अतः ऐसी स्थिति संभव नहीं है। अगर डी का मान पॉजिटिव आ जाता या डी का मान 0 आ जाता तो अपन बोलते कि ऐसी स्थिति संभव है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4, ऐसी स्थिति संभव नहीं है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। तो ऐसा कदापि नहीं होगा कि अगर उनकी उम्र का योग 20 वर्ष है तो 4 वर्ष पहले उनका गुणा 48 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या ये संभव है कि एक आयताकार पाक की डिजाइन, ऐसे आयताकार पाक को डिजाइन करना संभव है जिसका जिसका परिमाप तो 80 मीटर है। परिमाप तो कितना है, 80 मीटर। ये क्या है, आयताकार पाक का डिजाइन संभव हो पाएगा,
जिसका परिमाप 80 मीटर हो और क्षेत्रफल क्षेत्रफल कितना हो 400 मीटर स्क्वायर। यदि यदि हाँ तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो, यह आपका क्वेश्चन है। तो मान लिया, माना लंबाई x मीटर है तो पर तब चौड़ाई क्या हो जाएगी? चौड़ाई क्या हो जाएगी इससे देख लो, परिमाप से। परिमाप होता है वो परिमाप है 80, बाकी होता क्या है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80। तो लंबाई प्लस चौड़ाई कितना हो गया 80 बटे 2 बराबर 40, दोनों का योग 40 है। तो लंबाई x है तो चौड़ाई क्या हो जाएगी 40 माइनस x मीटर, ये आपकी चौड़ाई आ गई। अब प्रश्नानुसार आपको क्या दे रखा है कि क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, 400 मीटर स्क्वायर, वो क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 400। तो लंबाई है x और चौड़ाई है 40 माइनस x बराबर 400। तो ये हो गया आपका माइनस का x स्क्वायर प्लस के 40x और माइनस के 400 बराबर 0। तो यहाँ a बराबर क्या हो गया माइनस का 1, b बराबर 40 और c बराबर माइनस के 400। तो यहाँ अगर इसके मूल वास्तविक हैं, मूल वास्तविक हैं, मूल वास्तविक कब होता है जब d का मान 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो, तो ये स्थिति संभव हो पाएगी। तो d का मान निकाल लो, डी कितना हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b कितना है जी 40, 40 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है माइनस का 1 और c का मान कितना है माइनस का 400। तो 40 का स्क्वायर कितना हो गया 1600 माइनस प्लस माइनस और ये भी कितना हो गया 1600। तो d का मान क्या आ गया 0। तो चाहे d का मान 0 हो या d का मान क्या हो, d का मान क्या हो बड़ा हो 0 से, तो ये इसके मूल क्या आ जाएंगे, मूल वास्तविक होंगे, मूल क्या होंगे वास्तविक। अतः ऐसी स्थिति संभव है। अब लंबाई और चौड़ाई निकाल दो, ऐसी स्थिति संभव है तो आप इसको हल कर दो, है ना। इसका हल कैसे हो जाएगा, यहां कर दे रहा हूं x बराबर माइनस का b, तो माइनस b है आपका 40 प्लस माइनस अंडर रूट d का मान कितना आ गया जी 0 बटे 2a, 2 इंटू a कितना है माइनस का 1, ठीक है। तो x बराबर क्या हो गया, ये 20 आ गया तो माइनस माइनस कट गया, तो x का मान आ गया 20 और 20, दोनों रूट समान आएंगे ना जब d का मान 0 है। तो x का मान 20 और 20 आ गया, तो ये आपकी आ गई है लंबाई। तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी जी, चौड़ाई है 40 माइनस एक्स, तो ये भी होगी 40 में से 20 ये तो 20। तो एक तरह से ये आयताकार पाक नहीं होगा, ये आपका क्या हो जाएगा वर्गाकार पाक होगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा वर्गाकार पाक होगा जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होंगी, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर पार्क ना हो के ये कौन सा पार्क है, स्क्वायर पार्क है, है ना। और हर हर स्क्वायर एक रेक्टेंगल होता है, कोई भी वर्ग है वो एक आयत भी होता है। कंडीशन क्या होती है कि उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या होती है बराबर होती है। तो ऐसी स्थिति संभव है। ये हो गया आपका क्वेश्चन 5 और ये हो गया आपकी प्रश्नावली पूरी। इसके बाद में अपन नेक्स्ट प्रश्नावली पढ़ेंगे त्रिकोणमिति, ठीक है, और फिर उसके बाद में पढ़ेंगे अपन त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग डेली लाइफ में, ठीक है। तो अपने क्लासमेट्स को भी बोलिए, मैक्सिमम प्रश्नावली अपन सोल्व करते जा रहे हैं, तो अपने क्लासमेट्स को भी बोलिए कि चैनल को जल्दी ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन करें, सो दैट उनको जैसे ही नई क्लास अपडेट हो जानकारी मिलती रहे।